हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रेड्स किचन। हैप्पी नवरात्रा टू ऑल ऑफ यू। आज हम बनाएंगे नवरात्रा स्पेशल कोफ्ता पकोड़ा की रेसिपी। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत टेस्टी। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो सबसे पहले हम लेंगे बॉइल्ड पोटैटोज। इसको मैंने बॉइल करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। अब हम इसको पील करके छोटा छोटा कट करेंगे। तो इस तरह से हमने बारीक बारीक चॉप करना है और इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और साथ में मैंने यहाँ पर 150 ग्राम पनीर लिया है। सॉफ्ट पनीर है बट फिर भी हम इसको ग्रेट करेंगे। तो ग्रेटर से आप ग्रेट करें, आप मैश भी कर सकते हैं बट उतना इसमें स्मूथनेस नहीं आती, तो इसलिए हम इसको ग्रेट करेंगे। और अब हम मसाला प्रिपेयर करते हैं। तो एक पैन में देसी घी डालेंगे 2 टेबलस्पून, और इसको गरम करने के बाद इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया, ये ड्राई धनिया होता है साबुत, और 1/2 टीस्पून डालेंगे जीरा मींस क्यूमिन सीड्स, और चॉप्ड की हुई ग्रीन चिली, हरी मिर्ची, और साथ में डालेंगे अदरक। तो अदरक को हमने कद्दूकस कर लिया है, 1 टीस्पून लिया है। अब इन सबको अच्छे से सॉटे करेंगे 30 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई मसाले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर एंड 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट हम सेंधा नमक डाल रहे हैं, और धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसके बाद हम ऐड करेंगे आलू जो हमने कट किया हुआ था और पनीर। इन सबको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर सॉटे करेंगे। ये जो हम स्टफ तैयार कर रहे हैं इसको आप एज इट इज़ बनाकर भी खा सकते हैं, बट आज हम बनाएंगे कोफ्ता पकोड़ा। तो स्टफ तैयार है। इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा धनिया डाल देंगे इसके ऊपर, और इसको ठंडा होने रख देंगे। अब हम बैटर की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है सिंघाड़े का आटा, ब्रत का आटा है, आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। तो 1 कप मैंने सिंघाड़े का आटा लिया है। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट और थोड़ा सा पानी, और इसका स्मूथ बैटर बनाएंगे। और धीरे धीरे पानी डालना है ताकि ज़्यादा पतला ना हो जाए बैटर, और इस तरह से इसको हिलाते रहेंगे कंटिन्यूसली, और एक थिक बैटर बनाकर इसको 2 मिनट के लिए हम रख देंगे। और यहाँ पर चेक करेंगे स्टफ़ भी ठंडा हो चुका है। इसकी मैंने ये छोटी छोटी बॉल्स बनाई है। तो ये देखिए, इस तरह से सारी बॉल को तैयार करना है, और स्मॉल साइज़ की बॉल्स बनाएंगे ताकि जब पकौड़ा बनेगा उसके अंदर ये जो स्टफ़ आएगा बहुत ही यम्मी लगने वाला है। तो चलो इस तरह से हम सारी बॉल्स को तैयार कर लेते हैं। तो अब हम बैटर को भी देखते हैं, ये थिक होना चाहिए ताकि बॉल्स के ऊपर अच्छी कोटिंग हो जाए। और कोटिंग होने के बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ऑयल गरम हो चुका है, और एक एक बॉल को हम कोट करके डीप फ्राई करेंगे, और मीडियम फ्लेम पर हम इसको क्रिस्पी करेंगे। तो क्रिस्पी होने तक हम इसको फ्राई करते हैं। तो इसी तरह से सारी बॉल्स हम तैयार कर लेंगे। और इसकी एक खासियत है, आप पकोड़ा बनाकर 1 फ्राई करके आप इसको ठंडा करके फ्रिज में रख सकते हैं, और 1 से 2 दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको सर्व करना है या खाना है तो आप इसको डीप फ्राई करें अगेन, और उसके बाद आप सर्व करें, या आप कोई भी कोफ्ता की सब्ज़ी बनाएँ मीन्स कोई भी ग्रेवी बनाएँ उसके अंदर ये कोफ्ता ऐड करके एक ग्रेवी वाला कोफ्ता भी बना सकते हैं। तो आपके पास ये 2-3 आइडियाज़ और आ चुके हैं, और देखिए कोफ्ता कितना सुंदर लग रहा है। ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट होंगे। तो चलो चेक करते हैं, तो देखेंगे स्टफ़ कितना सॉफ्ट है, और ये खाने में उतना ही डिलीशियस। तो आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रेड्स किचन। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।